तो भैया इस वीडियो के अंत में जो क्वेश्चन है उसका जो सबसे पहले सही कमेंट में आंसर देगा उसके नाम को विथ कमेंट मैं अगले वीडियो में शो करूंगा और उसको मैं बोलूंगा यू डिज़र्व अ सल्यूट फ्रॉम फिजिक्स वाला ऐसे। ठीक है तो चलो एकदम लास्ट में क्वेश्चन है, ट्राई मारो। ठीक है, हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स का। अगर आपने अभी तक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फिजिक्स वाला, डिफरेंशिएशन फिजिक्स वाला, इंटीग्रेशन फिजिक्स वाला। इन वीडियोस को देखने के बाद यहाँ पे आएँ। आज मैं बड़ी आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, बड़ी अच्छी बात करने वाला हूँ। मैं एक सवाल पूछूंगा, मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। मैंने कहा वेलोसिटी निकालो, तो बच्चों आपके लिए ये तो चुटकियों का खेल है, आप बोलोगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सर, ds by dt कर देंगे अपन, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये लीजिए आंसर। मैंने कहा वेलोसिटी की वैल्यू बताओ जब टाइम 2 सेकंड है, तो आप टाइम की जगह 2 रख दोगे और बोलोगे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा वेलोसिटी की वैल्यू बताओ जब टाइम 3 सेकंड है, तो टाइम की जगह 3 रख दोगे और बोलोगे 2 × 3 = 6 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि वेलोसिटी की वैल्यू टी प्लस 1 है, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ जब टाइम 2 सेकंड है, टिंग 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 टिंग, अब क्या करोगे? मैंने तुमको वेलोसिटी की वैल्यू दे दी और क्या पूछ लिया? डिस्प्लेसमेंट, यानी उल्टा। अब क्या करें यार, हमें ये तो पता है कि v इज इक्वल्स टू ds बाई dt, मतलब हमें कोई डिस्प्लेसमेंट देता तो हम वेलोसिटी निकाल लेते, पर हमें उन्होंने पेपर में वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछा, अब क्या करें? तो आपने देखो यहां से यहां पे कौन सा प्रोसेस अपनाया है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और यहां पे उसका उल्टा जाना है। आप s से v आए तो क्या किया, डिफरेंशिएशन। अब आपको v से s जाना है तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कौन सा है, इंटीग्रेशन। कौन सा है? इंटीग्रेशन, मतलब अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगा। मैं इसको एकदम सिंपल मैथ से बताता हूं, v इज इक्वल्स टू ds बाय dt, वेरी गुड। dt को इधर ले जाते हैं तो हम बोलेंगे ds इज इक्वल्स टू v dt, बोल सकते हैं ds इज इक्वल्स टू v dt। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेते हैं, मैथ्स में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्वेशन के दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगा सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा? तो मैंने तुमको बताया है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x, बताया है कि नहीं? तो इंटीग्रेशन ऑफ ds बन जाएगा s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, मिल गया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। मैंने वी इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी लिखा और उसी में दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज एस और इसको लिख दिया इंटीग्रेशन वी डी टी। मतलब आपको अब दो बातें समझ में आ गई हैं कि वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जस्ट इसका उल्टा, अगर कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी। अब सवाल ले लेते हैं, जैसे हमसे बोला v इज इक्वल्स टू टी प्लस 1, हमसे कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 seconds। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt, कहां से कहां, 0 to 2 seconds। तो कौन सा इंटीग्रेशन है ये? डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, डेफिनेट, क्योंकि लिमिट्स लिखी हैं तो डिफाइंड है, कहां से कहां जाना है, क्या रास्ता है, इंटीग्रेशन 0 to 2। चलो तो t प्लस 1 को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले t को इंटीग्रेट करोगे, t की पावर कितनी है, 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यही इंटीग्रेशन था ना, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस, ये किसका इंटीग्रेशन, यहां लिख देता हूं मैं, यहां t dt का इंटीग्रेशन करना है प्लस 1 dt का इंटीग्रेशन करना है, यही दोनों तो हैं 0 to 2 0 to 2, t dt 1 dt। तो t dt का इंटीग्रेशन t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 dt का इंटीग्रेशन बोलो, अब यार 1 तो बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन होता है t dx का x, और कहां से कहां करना है ये इंटीग्रेशन हमको भाई, 0 to 2 seconds। तो अब क्या करोगे, पहले t की जगह 2 रखो, तो 2 स्क्वायर बाय 2 और t की जगह 2, माइनस का सिंबल लगाओ, फिर t की जगह 0 रखो, पहले जो वेरिएबल है उस पे ये वाली वैल्यू रखो, माइनस लगाओ, फिर नीचे वाली वैल्यू, तो t की जगह 0
प्लस जीरो, तो ये जीरो ही रह जाएगा। टू स्क्वायर फोर, फोर बाई टू, टू प्लस टू, तो फाइनल आंसर विल बी फोर मीटर। टू स्क्वायर फोर बाई टू, टू प्लस टू, चार मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, चार मीटर, किस टाइम में, जीरो से टू सेकेंड्स में। समझ में आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं। मान लो मैं इसी में बोल दूं v इज इक्वल टू, ठीक है, t प्लस वन है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ फोर सेकेंड्स इफ, इफ इनिशियली, इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन। चलो अब समझते हैं क्या कह रहा है। क्या अब हमें बताया है कहां से कहां का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें नहीं बताया कहां से कहां का। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, और कहां से कहां जाना है ये बात हमको नहीं पता, मतलब इस बार हमें करना पड़ेगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और इनडेफिनेट में आपको पता है एक कॉन्स्टेंट c आता है। चलो देखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस वन dt, तो यार इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, क्या आया था, टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी, और इस बार क्या आ जाएगा, प्लस सी, क्योंकि लिमिट नहीं पता, ये बन गया एस का एक्सप्रेशन। अब ये सी जो कांस्टेंट आया है, नया वेरिएबल, इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी होगी, ढूंढो। इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, इनिशियली मतलब जब टाइम जीरो हो, बॉडी इज एट ओरिजिन मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। तो जब टी जीरो है इनिशियली, तो बॉडी ओरिजिन पे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, तो इसमें टी को जीरो पुट कर दो, डिस्प्लेसमेंट को जीरो पुट कर दो, एस जीरो टी जीरो, तो सी की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। चेक कर लो, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, मिल गया। तो हमको सी की वैल्यू जीरो मिलते ही हम यहां से सी हटा सकते हैं। अब यह डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई, टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी। अब हमसे पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ फोर सेकेंड्स, तो इसमें टी की वैल्यू कितनी पुट कर दो, टी की वैल्यू फोर पुट कर दो, तुमको डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, फोर स्क्वायर बाई टू प्लस फोर, तो सिक्सटीन बाई टू एट, फोर कितना हुआ, ट्वेल्व, सिक्सटीन बाई टू एट और ये फोर, ट्वेल्व मीटर। तो अगर तुम्हें बताया हो कहां से कहां चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तब तो तुम लिमिट रख के माइनस वाला करके, नहीं बताया कहां से कहां तो प्लस सी लो और कंडीशन ढूंढो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी कंसेप्ट पे। जैसे हमसे बोलता है इफ v इज इक्वल टू टू टी, ओके लेट v इज इक्वल टू टू टी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट थ्री सेकेंड्स इफ, इफ एट t इज इक्वल टू जीरो बॉडी इज टू मीटर बिहाइंड ओरिजिन। ठीक है, हमसे अगर बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तीन सेकेंड पे, अगर t इज इक्वल टू जीरो पे बॉडी इज टू मीटर बिहाइंड ओरिजिन, तो अपन फिर से s इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt, कहां से कहां निकालना है नहीं बताया, एक पॉइंट पे बताया एट थ्री सेकेंड, तो हमारे पास लिमिट नहीं है, मतलब कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब c आएगा। चलो इंटीग्रेशन ऑफ टू टी डी टी, तो इस टू को प्यार से बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, तो टी डी टी, टी की पावर कितनी है, वन, तो इंटीग्रेट होके कितना हो जाएगा, वन प्लस वन, और नीचे भी वन प्लस वन, टू से टू मर गया, तो आंसर आया टी स्क्वायर, साथ में क्या लगा दो, प्लस सी, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर प्लस सी। अब सी को निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, ढूंढो, ये तो फाइंड है, ये रहा, इफ एट टी इज इक्वल टू जीरो बॉडी इज टू मीटर बिहाइंड ओरिजिन, मतलब जब टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट टू मीटर है, कहां, बिहाइंड ओरिजिन, ओरिजिन से पीछे, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, माइनस टू, तो इसमें टी की वैल्यू जीरो रख दो, एस की वैल्यू माइनस टू रख दो, तो क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू माइनस टू, टी की वैल्यू जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू मिल गई मेरे को माइनस टू। समझ में आ रहा है, कंडीशन उठाई, जब टाइम जीरो है तो बॉडी टू मीटर बिहाइंड ओरिजिन है, मतलब बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस टू है, तो टी को जीरो रखा, एस की जगह माइनस टू रखा, सी की वैल्यू आ गई माइनस टू, अभी सी वैल्यू यहां पे पुट कर दो या यहां पे पुट कर दो, तो टी स्क्वायर माइनस टू, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई, टी स्क्वायर माइनस टू। अब क्वेश्चन पे आओ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट थ्री सेकेंड्स, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई है टी स्क्वायर माइनस टू, हमसे कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट थ्री सेकेंड्स, तो टी की वैल्यू थ्री पुट कर दो, s इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर, नाइन माइनस टू कितना हो गया, सेवन मीटर, तो द डिस्प्लेसमेंट इज सेवन मीटर एट थ्री सेकेंड्स। मैंने पहले इंटीग्रेट किया, क्योंकि लिमिट नहीं दी थी तो c लगाया, फिर यहां पे लिखा हुआ था t स्क्वायर प्लस
सी फिर मैंने कंडीशन ढूंढी टी जीरो पे एस की वैल्यू माइनस टू, टी जीरो रखा एस की वैल्यू माइनस टू रखा, सी की वैल्यू माइनस टू आई, यहाँ पे माइनस टू पुट किया, ये इसकी इक्वेशन बनी। फिर मुझसे बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, टी की वैल्यू 3 रखी और आंसर निकाल दिया। अब क्लियर हो गई होगी ये बात, क्लियर हो गई है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो आपको अब ये दो इक्वेशन याद रखनी चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बोलेगा तो डिफरेंशिएट, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो इंटीग्रेट। बहुत बढ़िया। अब चलो मैं तुमको एक अगला सवाल देता हूँ। मान लो हमसे बोलता है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर और हमसे कहता है एक्सेलरेशन निकालिए। सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब इसको हम लिख सकते हैं dv बटे dt। तो यार इसको तुम डिफरेंशिएट कर दोगे तो कितना आ जाएगी, 2t आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, सबको पता है। अब मैं आपसे पूछूं इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी प्लस 3 फाइंड वेलोसिटी। टिंग 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 टिंग, अब क्या करें भैया, बोलिए। जब वेलोसिटी दी थी और एक्सेलरेशन पूछा तो डिफरेंशिएट किया, अब एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन क्या हुआ, डिफरेंशिएट। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी क्या करेंगे, इंटीग्रेट। बात क्लियर हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बराबर डी टी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, इधर इंटीग्रेशन का सिंबल, इधर इंटीग्रेशन का सिंबल। डी वी को इंटीग्रेट करोगे आएगा वी, जैसे डी एक्स का एक्स आता है, और यहाँ लिख लोगे इंटीग्रेशन ए डी टी। तो दो हमारे पास नई इक्वेशंस हो गई। एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, और वेलोसिटी निकालना है एक्सेलरेशन से तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो। आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलती जा रही हैं अलग अलग, समझ में आ रहा है। एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट, और वेलोसिटी निकालनी है तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट। क्लियर है, वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए डी टी। इन सबको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कहीं ना कहीं स्पीड इन टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट की मतलब ही क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम का इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो डी वी बाई डी टी। और वी क्या होता है, तो आपको एक ये क्वेश्चन याद होगी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ देखो एक्सेलरेशन किससे मल्टीप्लाई हो रहा, टाइम से, तो एक्सेलरेशन डी टी का इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये तरीका था वापस आने का। एक चीज समझ लो, अगर एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी के लिए डिफरेंशिएशन है तो वापस जाने के लिए इंटीग्रेशन होगा, सिंपल सी बात है। जैसे एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी, तो वेलोसिटी निकालना है तो ये इधर गया और इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ठीक है, अगले टर्न पे इसको बहुत यूज करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब इसका इजी सा क्वेश्चन एक ले लेता हूँ। जैसे हमसे बोला इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, सपोजिटली इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, ठीक है, मेरे से बोला 3t स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, अब वेलोसिटी पूछिए एक्सेलरेशन देखे, तो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt, और लिमिट नहीं दिए कहां से कहां, तो ठीक है कोई बात नहीं, 3 बाहर आया, अंदर बचेगा अपना टी स्क्वायर डी टी। अब बच्चों टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, टी की पावर 2+1 अपॉन 2+1, यही होगा, 3 कैंसिल, तो अपना आया टी क्यूब, और साथ में लिख दोगे प्लस सी, क्योंकि कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट नहीं दे रखी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आई है टी क्यूब प्लस सी। अब सी को निकालने के लिए इंफॉर्मेशन ये रही, इफ इनिशियली मतलब टी इज इक्वल्स टू 0, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 है, कब, जब टी 0 है, तो जब टी को 0 पुट करोगे तो वी भी 0 आना चाहिए, तो मैंने वी की जगह 0 रखा, टी की जगह 0 रखा, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0, तो बहुत बढ़िया, सी की वैल्यू मिल गई, इसको 0 इसको 0 रखा तो सी भी कितना आ गया, 0, तो यहाँ से हम सी हटा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, टी क्यूब। अब हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 3, तो टी की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो वेलोसिटी की वैल्यू 27 मीटर पर सेकेंड, और ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया।
समझ में आ गया। एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। अगर हमसे बोलता है इफ ए इज इक्वल्स टू, यही रखें चेंज कर लेते हैं, इफ ए इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन, फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू टू सेकेंड्स, इफ एट टी इज इक्वल्स टू वन सेकेंड बॉडी इज मूविंग विथ 2 meters per second इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अपन हमको बोला है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू टू, तो वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी लगाएंगे पहले, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी कर देंगे, लिमिट नहीं दी है इनडेफिनेट। चलो एक एक को इंटीग्रेट करो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो टी क्यूब बाई थ्री, टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, टी का इंटीग्रेशन बोलो टी की पावर कितनी है वन, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, वन का इंटीग्रेशन बोलो, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा टी भाई वन डी टी, वन डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, और क्योंकि इनडेफिनेट है तो लिख देंगे प्लस सी, ये समझ में आ रहा ना, वन डी टी का इंटीग्रेशन टी, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। तो हमारी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बना है टी क्यूब बटे थ्री प्लस टी स्क्वेयर बटे टू प्लस टी प्लस सी। ठीक है, अब सी निकालना है तो इन्फॉर्मेशन ढूंढो, इफ एट टी इज इक्वल्स टू वन सेकेंड बॉडी इज मूविंग विथ 2 meters per second यानी स्पीड दी है इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बॉडी 2 meters per second से पीछे जा रही है, मतलब जब टी की वैल्यू 1 है तो वेलोसिटी माइनस 2 है, जब 1 सेकेंड है तो बॉडी 2 meters per second से किधर जा रही है पीछे की तरफ, तो t इज इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी कितनी है माइनस 2, तो इसमें t की वैल्यू मैंने 1 रखी, v की वैल्यू माइनस 2 रखी, तो t की वैल्यू 1, v की जगह माइनस 2, t की जगह 1, 1 बाई 3, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। तो यहां से आप c की वैल्यू फाइंड करके यहां पुट कर देना, फिर उसके बाद पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो यहां पे t की जगह 2 रखना वेलोसिटी मिल जाएगी, यहां से c निकालना c की वैल्यू यहां पुट कर देना, फिर v एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड तो t की जगह 2 रखना और आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों ये हमारे बड़े ही खास खास एक्सप्रेशन थे। अब मैं आपके लिए एक अगला सवाल जो दे रहा हूं वो ये है, मान लीजिए हमको देता है a इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर और हमसे पूछता है फाइंड वेलोसिटी व्हेन x इज 2 meters, फाइंड वेलोसिटी व्हेन x इज 2 meters गिवन एट x इज इक्वल्स टू 0 बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, सो दिस इज अ चैलेंज क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ट्राई करना, क्योंकि यार ये एक्सेलरेशन है ये डिस्प्लेसमेंट है, अब दो फैक्टर्स को मिलाया है, तो यार अपने आप ट्राई मारें उस क्वेश्चन को सॉल्व करें।